एक पर्ची वाला आदमी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना, ये भी ठगा गया, ये भी हमारे लिए मुद्दा का मामला कि गाय के नाम पर इन्होंने जो सरकार बनाई थी आज गाय रोड पर घूमती नजर आई। बुधनी की जनता परिवर्तन के मूड में है। जिस वर्ष पहले क्या स्थितियां हुआ करती थी ये पूरी जनता इस क्षेत्र की बहुत अच्छे से जानती है। कांग्रेस के जमाने में बागड़ा कवेलू और देसी कवेलू में स्कूल लगा करती थी, हमने बचपन में गाँव के स्कूल में पढ़ाई की है। अस्पताल के लिए जो मेडिकल कॉलेज आया वो भेरुंदा, यहाँ पर नसरुल्लागंज के लोगों को क्या पकड़ा दिया, भेरुंदा का झुंझुना, और यहाँ से कॉलेज कहाँ चला गया, बुधनी, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। हड्डी रोग विशेषज्ञ आज तक नहीं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आज तक नहीं, सोनोग्राफी की मशीन है धूल खा रही है, अगर आपको कराना है तो प्राइवेट जाइए, भोपाल जाइए। आप खुद देख रहे हैं चकाचौंध रोशनी कौन ने दी, मामा ने शानदार रोड कौन ने दिया, मामा ने इलाज की व्यवस्था कौन कर रहा, मामा कर रहा, जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान ने की। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग हैं इस समय बुधनी विधानसभा में। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी, क्योंकि 13 नवंबर को इलेक्शन है। और दूसरी बात यह है कि दो विधानसभा जो विजयपुर और बुधनी, यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और 13 तारीख को यहां पर वोटिंग है। समय बहुत कम बचा है, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज हम लोग हैं भेरुंदा में शहीद स्मारक पर हम लोग हैं और दोनों ही दल के लोग हमारे साथ हैं। हम लोग जानेंगे कि किन किन मुद्दों पे और किन किन वादों को करके और किन किन वजह से इस चुनाव में वो लोग उतरे हैं, इस चुनाव को वो किस तरीके से देख रहे हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, स्थानीय दोनों दल के लोग हैं। पहले मैं कांग्रेस पार्टी के, आपने लगा रखा है, मैं आप ही के पास आता हूँ, आपका नाम बता दीजिए। संतोष गौर। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप इलेक्शन में गए हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के सामने रखेंगे कि जनता आपको वोट दे। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो मूलभूत, हम लोगों को जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमें विपक्ष की भूमिका निभाने का जनता ने मौका दिया जी। और सत्ता पक्ष को सत्ता का भोग। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्थानीय मुद्दे और भारत के मुद्दे, माननीय मुख्यमंत्री साहब 18 साल चीफ मिनिस्टर है, अभी भारत सरकार के कृषि मंत्री है। नसरुल्लागंज एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, कृषि उपज मंडी का निर्माण आज तक नहीं हुआ, रोडों पर ट्रैली खड़ी रहती है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, गाय के नाम पर माननीय शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री जी हमारे बुधनी की जनता को ठगा गया, 1 लाख पार का इन भाइयों ने नारा दिया, उनको 1 लाख से ज्यादा वोट से जिताया, और एक पर्ची वाला आदमी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना, ये भी ठगा गया, ये भी हमारे लिए मुद्दा का मामला। तीसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गाय के नाम पर इन्होंने जो सरकार बनाई थी आज गाय रोडों पर घूमती नजर आ रही। चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैंने पेपर में पढ़ा, मेरी लड़की भोपाल में पढ़ती है, 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर दिया गया। भारत में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर महिला पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार के नंबर पहला नंबर है, सब बेटी के बाप है, पहले नंबर मध्य प्रदेश है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम जानते हैं कि एक विधायक जीतने से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, आप जो रोड बनाए सब उखड़ गए, सीमेंटेड रोड पर छुपाने के लिए डामरीकरण करना पड़ा, इन सबको लगाम लगाने का मौका बुधनी की उपचुनाव के माध्यम से बुधनी को जनता को दिया। और बुधनी की जनता परिवर्तन के मूड में है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो बेलगाम सरकार, मध्यमस्त हाथी की तो मोहन यादव जो घूम रहे हैं, कृषि मंत्री जी घूम रहे हैं कि उनके क्षेत्र में आज DAP खाद के लिए मारे मारे पड़ रहे। आज का पेपर दैनिक भास्कर जो बड़ा पेपर है उसने बोला कि रात में खाद के लिए जागना पड़ रहा है, रोजगार नहीं, शिक्षा की स्थिति खराब है, बिल्डिंग बना दी, प्रोफेसर नहीं, प्रभारी प्राचार्य से काम चलाना पड़ा, रोज पेपरों में आ रहा है, इन सब मुद्दे के लिए। बिल्कुल, काफी लंबे आपके फेयर लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ एक साथी हैं, हम पहले तो सर आपका नाम बता दें। अमित मीना। जैसा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि 18 वर्षों से यहाँ पर ना शिक्षा हुआ ना स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई है, ये जो आरोप लगा रहे हैं किस तरीके से देखते हैं आप और इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का जी। निरंतर इस क्षेत्र की 25 वर्ष पहले क्या स्थितियाँ हुआ करती थी ये पूरी जनता इस क्षेत्र की बहुत अच्छे से जानती है, और कांग्रेस के हमारे साथियों ने भी उस विकास को ना सिर्फ देखा है, उस विकास को भुगता है, उस विकास का फायदा लेकर हमारे कांग्रेसी साथी भी संपन्न हुए हैं, ये सभी कांग्रेसी भाई हमारे जानते हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर जैसे कि आदरणीय हमारे संतोष भाई शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय पर
प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल टापरियों में लगा करती थी। कांग्रेस के जमाने में बागड़ा कवेलू और देसी कवेलू में स्कूलें लगा करती थी। हमने बचपन में गाँव के स्कूल में पढ़ाई की है। उसके पश्चात स्कूलों का जाल इस क्षेत्र के अंदर बिछाया। हर दो दो तीन तीन किलोमीटर के ऊपर चाहे वासुदेव चले जाओ, सेमलपानी चले जाओ, निम्ना गाँव चले जाओ, सालार आप गिल्लोर चले जाओ, मनासिया चले जाओ, इस क्षेत्र में हर दो दो तीन तीन किलोमीटर के आप ऊपर जाएंगे तो आपको हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल आपको देखने को मिलेगी। हमारे चारों जो बड़े स्थान है, चाहे गोपालपुर है, शासकीय महाविद्यालय आपको मिलेगा, बेरुंदा में शासकीय महाविद्यालय पहले से है, लाड़कू में आप जाएंगे आपको शासकीय महाविद्यालय मिलेगा, चकलदी में आप जाएंगे आपको सीएम राइस स्कूल का अभी प्रस्तावित करके अभी चारों बड़े स्थानों पर सीएम राइस स्कूल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके पश्चात अगर आप किसानों के क्षेत्र में देखेंगे तो अभूतपूर्व काम इस क्षेत्र के अंदर हुए हैं। चाहे हमारी केंद्र की अटल जी की सरकार रही हो जिसने किसान क्रेडिट क्रॉप जैसी योजना लाकर किसानों को साहूकारों को कर्ज से मुक्त कराया, इस क्षेत्र प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, इसके पहले माननीय अटल जी के पहले 50 साल कांग्रेस इस देश में राज कर चुकी थी। कांग्रेस को कभी चिंता नहीं हुई कि गांव में रहने वाले किसान, गांव में रहने वाले मजदूरों को रोड की आवश्यकता होगी। 1998 से 2003 के पहले कभी गांव में एक रोड नहीं हुआ करता था। आज गांव माननीय प्रधानमंत्री का उस प्रधानमंत्री का जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री देश में पैदा हुए और माननीय शिवराज जी जैसे इनकी मैं बहुत शांति से बोल रहा हूं, आपकी बात सुनेंगे। इस क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी सोसाइटी में 18% ऋण किसानों से वसूल किया करती थी जिसको जीरो करके और -10% बीजेपी की सरकार ने किया। ये मैं आपके पास आता हूँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजीव अग्रवाल। अभी बताते हैं कि जो बीजेपी के साथी बता रहे थे कि यहाँ पर स्कूलों का जाल बिछाया गया है, रोडों का जाल बिछाया गया है, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आपसे कह रहा है स्कूलों का जाल बिछाया, तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को ये बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि स्कूलों का जाल बिछाया, तो इनको ये बताना चाहता हूँ कि जब राजकुमार पटेल शिक्षा मंत्री थे तो राजकुमार पटेल ने जो प्राइमरी स्कूल होता था उसको मिडिल किया और मिडिल से उसको हाई स्कूल में उन्नयन किया। ये राजकुमार पटेल शिक्षा मंत्री थे और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके राज में 850 स्कूल जर्जर स्थिति में, जहां पर सरकारी स्कूल में 5-5 बच्चे नहीं है, ये इनके राज में शिक्षा की स्थिति है और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, तो ये इनके सांसद महोदय रमाकांत जी भार्गव जी का एक काम 5 साल में गिनवा दे कि सांसद जी ने इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि दी। इन्होंने ड्रामा सेंटर यहाँ आया, यहाँ से कहा चला गया आष्टा, ये इनकी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर आपका अस्पताल के लिए जो मेडिकल कॉलेज आया वो भेरुंदा, यहाँ पर नसरुल्लागंज के लोगों को क्या पकड़ा दिया, भेरुंदा का झुंझुना, और यहाँ से कॉलेज कहाँ चला गया, बुधनी, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। इसलिए और स्वास्थ्य का हाल आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ आज तक नहीं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आज तक नहीं, सोनोग्राफी की मशीन है धूल खा रही है, अगर आपको कराना है तो प्राइवेट जाइए, भोपाल जाइए 1500 की गाड़ी करके और 2000 रुपए सोनोग्राफी के दीजिए, 3500 खर्च करके सोनोग्राफी की आप रिपोर्ट लाइए, यहाँ डॉक्टर को दिखाइए, इसके बाद आपको पेट दर्द हो जाए तो भोपाल जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। 18 साल में इन्होंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रहते हुए, 5 साल सांसद जी रमाकांत भार्गव रहते हुए इन्होंने क्या उपलब्धि दी, आज जनता हर चीज के लिए परेशान है। जब मैं आपके पास आता हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, एक उपलब्धि सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की है, तो यहाँ के लोगों को भेरुंदा दे दिया, उससे आदमी का पेट दर्द भी खत्म हो गया, बेरोजगारी भी खत्म हो गई। मैं आपके पास आता हूँ, एक बार मैं आपके आपके पास आता हूँ। हाँ, नितिन मालवीय, मैं भाई साहब को अवगत कराना चाहता हूँ, उन्होंने वही मुद्दे में बोलूंगा, वही मुद्दे में
अभी मेरा भाई कुछ किसान के बारे में पूछ रहा है। मेरा भाई साहब एक क्वेश्चन कर लो, शांति से सुनो आप। मैं ये बोल रहा हूँ, उनका उनका जो प्रश्न है, उन्होंने ये कहा कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो सांसद थे, उनके एक भी काम बता दीजिए। दूसरी बात स्वास्थ्य को लेकर के वो प्रश्न कर रहे हैं, तो आप बता। पहली बात उनको मैं बता दूं, बीपीएल कार्ड धारा कोई भी चला जाए तो उसको पूरे निःशुल्क उसकी व्यवस्था की जाती है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, जिससे कई भी एडमिट होता है मरीज वो फ्री जाता है। उसके बाद किसान की बात कराता हूँ, तो किसान के टाइम पे केवल दो एक पानी दिया जाता था। देव कुमार पटेल टाइम देव कुमार जी से कहते थे, भाई साहब दो पानी छोड़वा दो, हमारा गेहूँ सूख जाएगा। तो ये कहते हैं फावड़ा लेके जाओ। और अभी है ना डैम बनाया जा रहा है, यहाँ पे निवाबर में डैम बन रहा है, जिसमे हर किसान को पानी मिलेगा, हर किसान को पानी मिलेगा, हर घर को पानी मिलेगा। और ये बात करते हैं तो इनका काम जो क्या है मैं बताता हूँ, इनका काम क्या है मैं बताता हूँ। अभी राजकुमार पटेल, देव कुमार पटेल और चली तो भाभी, भाभी पूरा परिवार बात, परिवार बात। एक मिनट में बताता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। भैया ने डैम की बात की, नितिन भैया ने, पहली बारिश में पहली बाढ़ में ही डैम फूट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। हमारी सरकार, कौन सा डैम फूट गया आप जब? बहुत जगह के डैम फूटे हुए हैं, गांव-गांव के डैम फूटे हुए फूट जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं, बहुत सारे डैम फूट जाते हैं। चोर चकेड़ी डैम फूट गया है। और दूसरी बात कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, आपका आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। आप ये बताइए कि एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो आपके प्रत्याशी हैं 5 साल हो रहे हैं, ने एक इनके काम बता दीजिए, तो आप दो काम बता दीजिए। देखिए, पूरी जनता जानती क्षेत्र की जी, और ये जो आरोप है बिल्कुल गलत और निराधार है, क्योंकि ये जो रोशनी दिख रही है आपको और ये रोड दिख रहे हैं, यहाँ में 5 फीट नीचे गड्ढा था। ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इसके लिए 34 लाख रुपए देकर ये चौराहा बनवा रहा है। इधर लोग, एक मिनट, अभी हम नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, हम इसके बाद आएंगे आपको। दूसरी बात ये जो चुनाव है, एक मिनट, ये जो चुनाव है सड़क पानी लाइट बिजली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है धर्म युद्ध। इस वक्त बहुत मुद्दे आप जैसे बिजली पानी सड़क, मुद्दा निराधार गलत है। आप खुद देख रहे हैं चकाचौंध रोशनी ये कौन ने दी, मामा ने शानदार रोड कौन ने दिया, मामा ने इलाज की व्यवस्था कौन कर रहा, मामा कर रहा, जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान ने की है। इनने क्या किया, 4-5 कॉलेज बनाए और एक डैम बना दिया। 60 साल में ये इनकी उपलब्धि है, 5 स्कूल और एक डैम। मैं आपके पास, आप ये बोल रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, धर्म युद्ध हो रहा है। आप भाई साहब एक मिनट जवाब दूंगा, भाई साहब कह रहे धर्म युद्ध, में कह रहा हूँ धर्म युद्ध है। एक वो व्यक्ति है जो व्हाइट हाउस का निर्माण करता है, जो 18 साल से बिना पद पर रहकर भी राजकुमार पटेल ने यहाँ भ्रमण किया, ऐसे 20 कार्यकर्ता बता दें उनको सुख दुख में सांसद जी आए हो तो 20 कार्यकर्ता। और मैं बताना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी ने धर्म युद्ध कैसा लड़ा, एक ही आदमी कितने सारा धर्म का काम दिया, मार्फेड का अध्यक्ष, अपेक्स बैंक का अध्यक्ष, CCB का अध्यक्ष, सांसद भी उसको बनाया और 72 साल का भी भाषण देने में हाथ पैर हिल रहे, उसको विधायक का भी टिकट दे दिया। ऐसा क्या डर है, कौन सी डर के कारण उनको दिया? ये धर्म युद्ध है। और मैंने जो आपको बताया ना धर्म युद्ध, वो लोग जीते। मैं आता हूं, हां आप बताइए सर, आप इनका जो क्वेश्चन है, ये धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश लखेरा है जी। ये धर्म युद्ध है कैसा है, कैसा ये कांग्रेस के लिए? अब ये विकास बोल रहे, विकास नहीं हुआ, अगर विकास नहीं होता तो इसके पहले शिवराज जी कितने वोट जीते यहाँ से जी? आप बताइए कि इसके पहले सांसद चुनाव था, 1,05,000 से 1,05,000 से विधानसभा में जीते, क्या पब्लिक पागल है क्या जो इतने वोटों से जिताती है? और उस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री प्रत्याशी रहते पर एक बार भी कदम यहाँ नहीं रखते हैं और लाखों वोट से यहाँ से चुनाव जीतते हैं। जनता का इतना प्रेम, इतना स्नेह उनके पास है, उनको क्या जरूरत? इतने सारे विकास के काम करे, लाडली लक्ष्मी योजना है,
इतनी सारी विकास के काम होने के बाद भी इनके पेट में दर्द हो रहा है तो वो बयान कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये चीज होती है कि हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, मेनली जो इलेक्शन चल रहा है इलेक्शन में क्या स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, बस इन्हीं से बातों से हम लोग बात करेंगे। इर्द गिर्द राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्थानीय एक छोटा सा चुनाव है, दो विधानसभा के चुनाव, एक विधानसभा अपनी है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग मैं आपके पास आता हूँ, आप बताइए आपका नाम बताइए। राजेंद्र सोनी, मैं युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की सेवा करी, उसके बाद 18 सालों से लगातार बुधनी विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ जो सांसद के चुनाव में अपना पर्चा बी फार्म उठा के भाग गया, वो व्यक्ति के लिए अगर हम लोग ये वोट मांग रहे हैं तो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 28 सालों से यहाँ पे लगातार यहाँ के लोगों की सेवा करी है तो पहला वो होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को हम ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं, चुने का बोल रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने ऐसे व्यक्ति को चुन दिया जो 1800 यहाँ से लापता है, देखने का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। आप हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय है, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। वो आपके जो बीजेपी के अध्यक्ष थे यूथ विंग के और आप कांग्रेस के हैं, आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि जिनकी जिनका पर्चा निरस्त हो गया था 2009 में उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने और बहुत सारे विकास के बाद दावे कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। विकास की बात करी जा रही है यहाँ पर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें पूरी बुधनी विधानसभा सबसे वजह नील बेटे सन्नाटा है। आज हम बात करें तो दो प्रत्याशी आमने सामने मैदान में, इनके पास शिवराज जी के काम गिनाने के अलावा अगर 5 साल जो सांसद यहाँ पर रहे, जो चुनाव लड़ रहे हैं रमाकांत जी भार्गव साहब, उनकी अगर ये उपलब्धियां गिनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम गिनाएंगे हमारे राजकुमार पटेल साहब की उपलब्धियां, राजकुमार पटेल साहब ने हर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मंत्री रहते हुए यहाँ पर स्कूल दिए, कोलार डैम, फिर ये पुरानी बातें हो जाएंगी, मैं कॉलेज की बात हो या शिक्षा में शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत सारे इन्होंने स्कूल खोले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल नगर परिषद की हम बात, नगर परिषद के चुनाव के 2 साल हो चुके, पीआईसी का गठन अभी तक नहीं हुआ, सवाल इनसे पूछा जाए तो इनको मिर्ची लगेगी। चलिए मैं आपके पास आता हूँ और साथी जो हमारे बीजेपी के हैं उनसे मैं बात करता हूँ, आपका नाम बताइए। भाई मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि 2 साल नगर परिषद के चुनाव के हो गए हैं, पीआईसी अभी तक गठित नहीं हुई, आप बताइए। पीआईसी गठित करना ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं होता है कि यदि नगर अध्यक्ष चाहेगा तो पीआईसी गठित करेगा। पीआईसी का मतलब ये होता है कि 4-5 लोग मिलकर एक छोटी सी अपनी कमेटी बना देंगे और उसके बाद 5 लाख तक के कार्य अपने मन से करा सकते हैं। वो पूरे कार्य जितने भी आज हमारे नगर अध्यक्ष जी, जो मारुति भैया भी नगर अध्यक्ष बोलने मिलना चाहिए, सुनना भी चाहिए, क्या बोलते अभी जो तत्कालीन नगर अध्यक्ष है नगर पालिका नरुंदा में, वो मारुति भैया ने उनका सारे कार्य टेंडर की प्रक्रिया से हो रहे हैं, पारदर्शिता हो रही है। क्यों जरूरत थी पीआईसी का मतलब ये थोड़ी कि हमको कोई जरूरत, वो 1 लाख का भी टेंडर है तो टेंडर निकाल के लगा रहेंगे, टेंडर निकाल के लगा रहे हैं, पारदर्शिता होगी, पूरी पारदर्शिता है। आप बताइए ये जो आरोप लगा रहे हैं पीआईसी अभी तक गठित नहीं, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, किसी क्षेत्र में ये बात कर नहीं सकते, विकास के मुद्दे पर इनके पास कुछ नहीं है कहने को। ये हमारे प्रत्याशी के बारे में अभी पूछ रहे थे आदरणीय संतोष जी, अभी चले गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किन किन दायित्वों पर रखा, ये हमारा अंदरूनी और संगठनात्मक विषय, इन पर इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये इनके प्रत्याशी के बारे में बताए कि आज तक इनको कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी, इनके जो मेहनत करने वाले जो कांग्रेस के हमारे साथी है जो नगर में आंदोलन करते प्रदर्शन करते रहे हैं, इनमें से आज तक कांग्रेस को नेता नहीं मिला। कांग्रेस को क्यों जाना पड़ता है खंडवा, क्यों जाना पड़ता है भोपाल, और क्यों कहां कहां बुधनी विधानसभा में भी अभी राजकुमार पटेल जी इनके घिसे पिटे मोहरे, जो अभी 45,000 से हार के आए, लगातार 8 चुनाव हार चुके हैं, प्रत्याशी फार्म उठाने का और खरीद फरोख्त का उनके ऊपर आरोप है, 10 साल तक कांग्रेस से निष्कासित रहे, इनके अलावा क्या इनके ठीक है। मैं आपके पास आता हूँ फिर से, और भी साथीगण बहुत सारे हैं, मेरे भाई अमित भाई का। हाँ अमित भाई, आपने कहा कि आपकी प्रत्याशी का मामला अंदरूनी है, तो हमारा खुला कैसे हो गया? हमारा भी अंदरूनी है भैया। नगर परिषद में कायाकल्प के लिए 5 करोड़ की जो राशि आई थी वो लेप्स हो गई है, ये इस्तेमाल नहीं कर पाए उस राशि का। और बात कर रहे हैं रोजगार की, बात कर रहे हैं पूरा इसके, ठीक है, इन्होंने बड़ा बोध किया है कि
की कायाकल्प किया है। 5 करोड़ की राशि लेप्स हुई है, शायद इनको पता नहीं होगा, यहाँ से कोई पार्षद हो तो उनसे पूछिए आप। ठीक है ठीक है, आप आपका नाम बताइए। संतोष शर्मा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, आप बताइए। ये तो सब मुद्दे हो गए, आप बताइए कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं और नगर को लेकर के, क्योंकि आप नगर के। देखिए, बुधनी विधानसभा क्षेत्र से 18 साल के मुख्यमंत्री और 5 साल के सांसद रमाकांत भार्गव जी, ये विकास की आंधी इतनी तेज गति से इन्होंने चलाई है कि आज पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में एक परिवर्तन की लहर है। ये परिवर्तन क्यों आ रहा, अगर इन्होंने लोगों ने विकास किया होता तो शायद, मैं नहीं समझता, आप किसी भी गाँव में जाइए, लोगों से पूछिए, नगर के अंदर पूछिए, परिवर्तन की लहर इतनी तेज गति से चल रही है, बल्कि परिवर्तन की आंधी चल रही है। मैं समझता हूँ कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, राजकुमार पटेल जी चुनाव जीतेंगे, उसका एक मुख्य कारण यह रहेगा। मैं मुद्दे, आप क्योंकि नगर के अध्यक्ष हैं विपक्ष के, कांग्रेस के, क्या मुद्दे हैं इस नगर के जहां पर हम लोग खड़े हैं? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्योंकि यहाँ की जगह नसुल्लगंज नगर में पिछले 3 या 4 बार की परिषदों में मुख्यमंत्री जी ने इस नगर के अंदर हमेशा घोषणा की कि मैं इस नगर को हाईटेक बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। आप इस नसुल्लगंज की हालत देखिए कि कितनी बद से बदतर हो रही है, पानी 1 घंटे गिर जाता है तो पूरे नसुल्लगंज का विकास अपने आप बोल पड़ता है। चारों तरफ से भ्रष्टाचार की बात आ रही, एक नाला बनाया इन लोगों ने, पिछले कितने सालों से उसमें काम चल रहा है लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, सीपेज लाइन का काम हो रहा है, पूरे नगर को खोद के रख दिया, अच्छी अच्छी सड़कों को इन्होंने खोद दिया और उसके बाद सीपेज लाइन में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर के विकास की बात कर रहा है तो नगर परिषद, मैं नहीं समझता कि विकास कर रही है, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की भेंट पिछले लगातार निरंतर चलती है। भाई साहब का ये आरोप है, आप बताइए, आपका नाम बताइए। राजेंद्र पवार। बहुत टाइम से काम चल रहा है नगर में, या नाले का काम चल रहा है, सीपेज लाइन का चल रहा है, आप बताइए कि क्या आप क्या कहेंगे? 2003 का पहले का मध्य प्रदेश आपने देखा था और बुधनी विधानसभा और भेरूंदा भी देखा था, उसके बाद का भी आप विकास देख रहे हैं। अब संतोष भैया है, इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, पर अभी क्या मैं विपक्ष हूँ, मैं पार्टी पक्ष, इनसे ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या नहीं किया। लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री जी के देन है, कन्यादान बीमा योजना हमारे मुख्यमंत्री के देन है, मुख्यमंत्री नहीं वो तो योजना है। इसका जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं चाह रहा था। नहीं देखो, आप बताइए, आप युवा हो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम माजिब शर्मा है। क्या करते हो? मैं अभी नगर उपाध्यक्ष हूँ मोर्चा से, और मेरा अभी भाई साहब संतोष जी कह रहे थे किसानों की बात कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन्होंने 2 लाख कर्जा माफ करने का बोला, इन्हें करा नहीं, 160 रुपए बोनस देने का बोला था, इन्हें करा नहीं, जितने भी सब झूठे वादे करे हैं और जनता के सपनों का गला इन्हें घोटा है और जनता कुछ भी काम करा नहीं है, और किसानों की बात करते हैं और किसानों का गला इन्हें ही घोटा है सपनों का। सर आपका नाम? जगदीश बरायला, पूर्व सरपंच, भारतीय जनता पार्टी जी महामंत्री हूँ मैं। आदरणीय हमारे कांग्रेस के मित्र विकास की बात कर रहे जी। इनको 20 साल पूर्व ले जाना चाहता हूं, जब माननीय शिवराज जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, तब किसानों की हालत ये थी कि बिजली आती थी तो बिजली के तार में करंट नहीं लगता था, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट लगता। एक मिनट, अरे यार डिस्टर्ब मत करो प्लीज। अरे किसानों की अलग पहचान रहती थी, किसानों के कपड़े काले पीले रहते थे हमेशा। भाई आज ये विकास की बात कर रहे हैं, हर गांव में जितनी भी सड़कें हैं, जनसंघ की तरह हर गांव में 10 सड़कें हैं तो 10 सड़कें बनाई है, स्टाफ डैम बनाए, बैराज बनाए, हाई स्कूल बनाई, मिडिल स्कूल बनाई, तो क्षेत्र का विकास तो शिवराज जी ने किया है। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, आज हाई सेकेंडरी स्कूल है, और विकास देखना तो आप चलिए निम्ना गांव में, पूर्व सरपंच में था, मैंने विकास कराया।
तो चलिए मैं आपके पास आता हूँ। सरपंच साहब पूर्व सरपंच हैं, इन्होंने बोला कि हमारे गांव में अच्छा विकास हुआ है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, सभी लोग। सरपंच साहब को ये किसान है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कि मेरी बात सुनने में इनको डर लगता है इसलिए चिल्ला चोट करेंगे। सुने देर से, ये आदरणीय थारोल जी कह रहे हैं कि हम किसान किसान को, सुनो मेरी बात तो सुनो, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर मेरी बात को सुनने का देर रखते हो तो सुने, दो मिनट खड़े होकर सुने, शांति से सुने, सुनो शांति से, एक एक चीज का जवाब मैं देता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि लाइट नहीं आती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान को लाइट का बड़ा बिल आ रहा है उसका झटका। इसके बाद दिग्विजय सिंह के टाइम 5 हॉर्स पावर के मोटर को फ्री दिया जाता था, आज इनके राज में बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। ये कह रहा है किसान को, दिग्विजय सिंह के टाइम में किसी किसान को खाद और यूरिया के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता था, डंडे नहीं खाना पड़ते थे, साढ़े चार सौ रुपए का जो खाद और यूरिया की बोरी आती थी वो 1550 रुपए में नहीं मिलती थी, 50 किलो की जो बोरी थी वो 40 किलो की नहीं होती थी कांग्रेस के राज में, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। चलिए और सुन लीजिए, ये कांग्रेस के ये कह रहा है कि कांग्रेस 2750 रुपए गेहूँ खरीदने का किसने घोषणा, भारतीय जनता पार्टी ने, आज सरकार बनने के बाद में किसान को मिल रहा है क्या 2750 रुपए गेहूँ खरीद रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार, ठगों की सरकार, ये क्योंकि ये आरएसएस निकले हुए लोग है। मैं आता हूँ आपके पास, अब एक मिनट, हाँ समर्थन करते हैं, इन्होंने आरएसएस का नाम कर लिया, आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है क्या? ये आरएसएस से निकले हुए लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हो? भारतीय जनता पार्टी का माई बाप है। ठीक है मैं एक मिनट चलिए मुद्दे हो गए, एक मिनट अब मेरी बात सुनिए, एक छोटा सा प्रिया मीना जी, एक मिनट हाँ, अब आप कांग्रेस के हैं, अब आप बीजेपी के लोग हैं, अब आप ये बताइए, मैं दोनों का एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग अगर मेरा साथ दें, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, एक छोटा सा प्रयोग मैं चाहता हूँ कि हम लोग करें, आप लोग कांग्रेस के हैं, आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के होते हुए आप ये बताइए कि क्या होना चाहिए इस नगर में, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में हैं, और आप भी ये बोलिए, आप भी बीजेपी के हैं, आप भी ये बताइएगा कि क्या मुद्दे असल में, कोई भी जीते कांग्रेस के या बीजेपी के, कोई भी जीते इस नगर के रहने के लिए, बिल्कुल आप बीजेपी के, मैं वो नहीं कह रहा, तो जो भी आप लोग जीते क्या इसमें नगर में होना चाहिए मेनली, सबसे पहले क्या एक आम नागरिक हो चुका है काम, अच्छा सब कुछ हो चुका, काम हुए सभी हो गया, पूरे विकास के काम हुए सभी का, जो बुरा जो है पूरा नगर हमारे यहाँ प्रज्वल बुधनी का काम जो हो चुका है। आज क्या होता है, एक तरफ की जो लाइट जाती है तो ऐसा नहीं कि पूरे नगर की लाइट बंद है, तो ऐसे काम हो चुके हैं, अब कोई काम और चल रहे हैं, जो काम नाला बन रहा है अभी के बाद कुछ है भी नहीं ना, क्या कर रहा है? तो चलिए ये सभी मेरा इतना कहना है कि भरोसा भी क्या है, स्टिकर की तरह होता है, दूसरी बार में पहली बार जैसा नहीं चिपक रहा है, ठीक है, जनता ने 60 साल भरोसा कर लिया है तुम पे, अब जनता करने वाली नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी ने किया नगर में, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस और बीजेपी के सभी लोग, कार्यकर्ता लोग, और जिन्होंने ये बात करी अपनी अपनी, फैसला आप लोगों के हाथ में है एवं जनता के हाथ में है, आप देखते रहिए एनवाईएस इंडिया। हम लोग हैं बुधनी में मतलब भैरुंदा तहसील में, और भैरुंदा में क्या है ये तो फैसला आप ही को करना है, बीजेपी हो कांग्रेस हो प्रत्याशी मैदान में है, मुद्दे आपके हैं, वोट आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ, मैं आपके साथ निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद।